साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। आज जो हम भाग लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम का भाग पहला है, क्योंकि नंबर सिस्टम की मैंने कई वीडियो डाल रखी हैं, पर उनमें प्रॉब्लम ये है कि आवाज़ थोड़ा साफ़ नहीं आ रही है। तो स्टूडेंटों का कमेंट है कि सर वीडियो नंबर सिस्टम की डालिए, क्योंकि पूरे गणित का जो आत्मा बोला जाता है या गणित की जो प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है, गणित को सीखने की विधि कहा जाता है, वो सिर्फ हम नंबर सिस्टम को पहले कंप्लीट करते हैं। इसलिए मैं कह देता हूँ कि गणित की जो आत्मा है वो आपका नंबर सिस्टम है, यानी संख्या पद्धति है। तो प्यारे बच्चों, इससे रिलेटिव प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न दो प्रश्न तो बनते ही हैं। एक्स वाई जेड कोई परीक्षा हो, चाहे आपकी लेखपाल की हो, चाहे SSC की हो, चाहे टेट हो, चाहे आपका CTET हो, चाहे आपका कोई भी हो, जब मैन CGL हो, कुछ भी हो, एक प्रश्न तो बनता ही हम लोगों से। तो प्यारे बच्चों, आपसे मैं पहले ये कहना चाह रहा हूँ, पहले हम जो क्लियर करना चाह रहा हूँ वो आपका नंबर सिस्टम में संख्या क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो संख्या में यदि आपको प्रॉब्लम है, पर एक और आपसे शब्द है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अनथान डिसलाइक कर ही सकते हैं, इतना तो आपका बनता ही है। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति के साथ में प्यारे बच्चों। तो आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो क्या रहेगा, नंबर सिस्टम का भाग पहला रहेगा। यानी भाग पहला का मतलब ये हुआ, नंबर एक इतिहास रहेगा, नंबर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी संख्याओं का इतिहास, यानी संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं संख्या के बारे में सीख ले रहा हूँ। संख्या हम कैसे कहते हैं, किसी भी रूम के अंदर मुझे भेजा गया, किसी भी सिटी के अंदर भेजा गया, कहीं भी स्थानिक बिंदु के पास भेजा गया, तो हम सीधा कह सकते हैं जिसे हम राशि के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जिसे हम राशि के रूप में प्रकट कर सकते हैं, उसे प्यारे बच्चों हम संख्या कहते हैं, जिसे हम राशि के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पेन है तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक राशि है, जब एक भी पेन नहीं है तो एक भी राशि नहीं है, तो जिसे हम राशि के रूप में प्रकट कर सकते हैं उसे हमेशा हम संख्या कहते हैं। इसलिए सबसे छोटी संख्या एक होती है, क्योंकि जीरो सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे हम किसी राशि के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देता हूं, तो आपसे कहा जा रहा है कि संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम राशि के रूप में प्रकट कर सकते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। यही फिजिक्स में आप बात की जाए तो फिजिकल साइंस से हमने पढ़ा है, वहां हमने देखा भी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वहां लिखा होगा जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं उसे राशि कहते हैं, और जिसे राशि के रूप में प्रकट कर सकते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति के साथ में। तो संख्या आपका इतना कंप्लीट हो गया, जिसे हम राशि के रूप में प्रकट करते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो बेटा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी प्यारे बच्चों एक होती है। और सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक भी प्यारे बच्चों जीरो होता है। और सबसे बड़ा अंक कौन होता है, तो नौ होता है सबसे बड़ा अंक। और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, लेकिन एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो एक। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो नौ। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, दस। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 प्यारे बच्चों। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसे आपके कंप्लीट भी होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती है, मुझे पता है। चलिए ध्यान देता हूं, तो हमारा सिर्फ एक प्रश्न यहां आपके लिए हुआ, जो मैंने बताया वो सिर्फ एक प्रश्न हुआ प्यारे बच्चों। कौन प्रश्न हुआ उसे आप समझ लीजिए, कि संख्या किसे कहने, तो जिसे राशि के रूप में प्रकट करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, एक, और सबसे छोटा अंक कौन सा हुआ, तो जीरो। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन सी संख्या है और कौन सा अंक है। चलिए ध्यान देता हूं, इसके बाद सेकंड हम लोगों से प्रश्न क्या बनता है उसे आप एक मिनट कंप्लीट करिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमसे बनता है कि संख्या जैसे हमारी ये रही छोटी और बड़ी संख्या रही, अंक रहे, अब आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों संख्या के प्रकार क्या होते हैं ना, ठीक है। तो संख्या के जैसे नंबर्स प्रकार आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो नंबर्स के प्रकार हम आपको टू पहले बता दे रहे हैं। देखिए, संख्या को हम दो रूपों के नाम से जानते हैं, एक तो रूप होता है हमारा वास्तविक नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं, और सेकेंड होता है अवास्तविक संख्याएं। प्यारे बच्चों, इससे रिलेटिव हम लोग कोई नहीं मूल कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या मुष्टि सभी संख्या होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं वो सभी संख्या वास्तविक होती हैं, ठीक है ना। और जो से नेगेटिव होती हैं वो संख्या आपकी अवास्तविक होती हैं, आप इस कंपटीशन के भी कर सकते हैं, पर ये हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। वास्तविक संख्या और सेकेंड हमारी काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्याएं, यानी जो वास्तविक रूप से हम संख्याओं को देख सकते हैं वो हमारी वास्तविक संख्या होती है, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं ना वो हमारी काल्पनिक संख्या होती हैं। जैसे कि आपसे कहा गया प्यारे बच्चों वहां 10 किताबें, जैसे बोला गया वहां 10 किताबें हो सकती हैं, तो एक कल्पना है यार वहां 10 किताबें हो सकती हैं। शायद इस तालाब में मछली हो, शायद इस तालाब में कई मछली हों, तो इसका मतलब ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, शायद इस तालाब में मछली हो। अब तुमसे कहा जाए कि इस तालाब में मछली है, तो इसका मतलब एक वास्तविक है, इस तालाब में मछली है। तो कहने का सारांश यह हुआ, काल्पनिक संख्या क्या हुई, जहां हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक संख्या कहां हुई, जहां हम वास्तविक रूप से सोच सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देता हूं, इसके बाद सेकंड हम लोगों से प्रश्न बनता है, वास्तविक अवास्तविक के बाद या काल्पनिक वास्तविक के बाद सेकंड हमारा नंबर आता है, जिसे हम जानते हैं परिमेय संख्याएं,
और अपर में संख्याएं, रियल नंबर और नॉन रियल नंबर्स। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़े शांति के साथ प्यारे बच्चों। तो आपसे जैसे कहा गया है कि वास्तविक संख्या कौन हुई जो वास्तविक रूप से हम कंफर्म कर सकते हैं, अवास्तविक संख्या कौन हुई जो निगेटिव पोर्ट्स होते हैं, और इसके बाद में काल्पनिक संख्या कौन हुई जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल तौर पर भी आपको बताया है ना। चलिए ध्यान देता हूँ इसके बाद सेकंड क्या हमारा आ रहा है कि संख्या के दो प्रकार मैंने फिर उठा के बताया आपको, परमेय और अपरमेय। परमेय कौन होता है वो आप एक मिनट समझ लीजिए, जो एक निश्चित होता है, जिसकी वैल्यू एक निश्चित होती है वो एक परमेय होता है, जिसकी वैल्यू एक निश्चित नहीं होती है वो अपर में होता है। जैसे आपने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा होगा, संज्ञा किसका किसी का नाम होता है और सर्वनाम सबका नाम होता है, ऐसे ही जो सबके लिए यूज होता है वो अपर में होता है, जो सिर्फ एक के लिए ही यूज हो सकता है वो आपका परमेय होता है। जैसे प्यारे बच्चों आपसे बोला जा रहा है ना कि एक क्या है तो परमेय है, दो क्या है तो परमेय है, तीन क्या है तो परमेय है, 0.2 क्या है तो परमेय है, 0.2 बार क्या है तो परमेय है, कहने का सारांश यह है कि जो एक निश्चित है वो एक परमेय है, जिसके बाद एक निश्चित रिपीट है, क्योंकि इसका इतिहास मैं आपको बता दे रहा हूं ये कहां से क्या हुआ वो देख लीजिए। आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, फ्रैक्शन में के टाइप्स होते हैं टू, आपका साधारण सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, और एक आपका आ जाता है डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं बेटा टू, यानी आप रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन के टू पुनः टाइप्स हो जाते हैं, कह सकते हैं हमारा आवा दशमलव भिन्न और कह सकते हैं शुद्धावर्त और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो रिपीट आवर्त जो रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन है, रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन का ही एक टाइप्स होता है जिसे हम जानते हैं प्यारे बच्चों रियल नंबर्स के नाम से और नॉन रियल नंबर्स के नाम से। कहने का सारांश क्या है, रियल कौन हो सकता है जिसके बाद कोई निश्चित अंक रिपीट होते हो, उसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं, परमेय संख्या के नाम से जानते हैं, और जिसके बाद कोई निश्चित अंक रिपीट नहीं होते हैं उसे हम रियल नंबर्स के नाम से नहीं जानते हैं, कह सकते हैं और नॉन रियल नंबर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब हमारा ये हुआ अपरमेय संख्या के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद सेकंड हमसे प्रश्न क्या बनता है वो ध्यान दीजिए, क्या आपसे पूछा जाएगा कि 100 परमेय है तो बिल्कुल बोलिए परमेय। हमारे नोट्स क्या हैं वो आप एक मत समझ लीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है, इन नोट्सों को हम यहां लिखकर एक बार आपको कंप्लीट करा दे रहा हूं कि क्या हमारे नोट्स हैं। पहला नोट्स होगा सभी संख्याएं, कोई भी संख्या है सभी संख्याएं हमेशा परमेय होती हैं, कैसी होती हैं परमेय होती हैं, चाहे आपका एक आए चाहे दो आए चाहे तीन आए चाहे चार आए चाहे पांच आए, एक्स वाई जेड कोई भी आए, सभी संख्या हमेशा आपकी परमेय होती हैं, एक साधारण संख्या होना चाहिए। इसके बाद सेकंड दो दूसरा नोट सुनिए, जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं, जिसका वर्गमूल ले सकते हैं वो हमेशा आपका परमेय होता है। जैसे प्यारे बच्चों आपसे बोला गया कि अंडर रूट एक परमेय है तो बिल्कुल परमेय है, अंडर रूट चार परमेय है तो बिल्कुल परमेय है, अंडर रूट 9 परमेय है तो बिल्कुल परमेय है, अंडर रूट 16 परमेय है तो बिल्कुल परमेय है। तो जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं वो आपका परमेय होता है, और जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं वो कौन बना परमेय बना, जो संख्या होगी वो कौन बना परमेय बना। इसके बाद सेकंड प्यारे बच्चों देख लो, जिसमें दशमलव के बाद कोई निश्चित अंक होते हैं वो हमेशा परमेय होता है, जैसे 0.21 निश्चित है, इसके बाद जैसे लिख किया 0.45 एक निश्चित है, 0.678 एक निश्चित है, 2.34 एक निश्चित है, ये कौन हुआ परमेय हुआ। अगर प्यारे बच्चों चौथा नोट्स होता है, जिस पर आवर्त का चिन्ह लगा होता है वो सभी परमेय होते हैं, जिस पर आवर्त का चिन्ह लगा होता है वे सभी परमेय होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, परमेय संख्या कौन होते हैं, वे संख्याएं जो निश्चित रिपीट होती है, जो निश्चित होती है ऐसी संख्याओं को हम परमेय कहते हैं। अब पब्लिकेशन क्या बोलता है वो एक बार समझ लीजिए, जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ऐसी संख्या को हमेशा हम परमेय संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों आप एक बार समझ लीजिए यार, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ऐसी संख्या को हम परमेय कहते हैं। कई हमारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका एक निश्चित नहीं होता है कि हम पी बटे क्यू के रूप में लिख लेंगे, जैसे हमारा 1/7 दिया गया है। प्यारे बच्चों 1/7 को हम जैसे डिवाइस कर रहे हैं तो देखते हैं 10 हो गया, और 10 के बाद 7 × 7 हो जाएंगे, 7 × 6 = 28 हो जाएंगे, 7 × 2 = 14 हो जाएंगे, 8 × 7 = 54 हो जाए, 7 × 5 = 35। कोई निश्चित हो रहा है, जब निश्चित नहीं हो रहा है तो आप रियल नंबर्स नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो एक बार शर्त को देख लीजिए, तो जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन उनके अंक निश्चित कर सकते हैं ऐसी संख्याओं को हमेशा हम परमेय संख्या के रूप में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका परमेय क्लियर हो गया, वे संख्याएं जिनका एक वर्गमूल लिया जा सके, वे संख्या
संख्याएं जो एक निश्चित होती हों, बे संख्याएं जिनका हम कह सकते हैं दशमलव के बाद निश्चित अंक लिख सकें, बे संख्याएं जिन पर बार का चिन्ह लगा हो, बे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में हो, ऐसी संख्याओं को हमेशा परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? तो आप तुरंत बोलना है एक होती है। सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन होती है? एक होती है। सबसे छोटी संख्या कौन होती है? तो एक होती है। सबसे छोटा अंक कौन होता है? तो जीरो होता है। प्यारे बच्चों, आपका कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद ध्यान दो थोड़ा शांति से। इसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों कि अपरिमेय संख्याएं, कौन सा प्रश्न बनता है? अपरिमेय। तो अपरिमेय के बारे में हम कैसे कंप्लीट करेंगे वो एक बार समझ लीजिए। नॉन रियल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। तो आपसे पूछा गया कि सभी संख्याएं आपकी परिमेय होती हैं, तो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय नहीं होती हैं, अपरिमेय नहीं होती हैं। सीधी बात ये है, कोई एक आया अपरिमेय नहीं है, दो अपरिमेय नहीं है, तीन अपरिमेय नहीं है, बिल्कुल एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है वो अपरिमेय नहीं होती है, साधारण संख्या। इसके बाद सेकंड ध्यान दो थोड़ा शांति से, जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं वो परिमेय होता है, जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं वो परिमेय होता है, तो जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। जिसका हम वर्गमूल नहीं शुद्ध ले सकते हैं वो कौन होता है? अपरिमेय होता है। तो आपका कंप्लीट हो गया पहला नोट्स। तो जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं वो कौन हुआ? अपरिमेय हुआ। तो अंडर रूट टू क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट थ्री क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट फोर क्या है? परिमेय, क्योंकि वर्गमूल ले सकते हैं। अंडर रूट फाइव क्या है? आपका अपरिमेय। अंडर रूट सिक्स क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट सेवन क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट ग्यारह क्या है? अपरिमेय। तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड बात करता हूँ सेकंड नोट्स के साथ में, जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं वो हमारा अपरिमेय हो गया। तो जिसमें कोई निश्चित अंक नहीं होते हैं, जैसे जीरो दशमलव तीन दो तीन चार पाँच छः, चार पाँच छः, सात आठ नौ, नहीं कोई निश्चित है यार, नहीं हम कंप्लीट कर पा रहे हैं कि अब अंत कहाँ देखेंगे, रिपीट किसे करेंगे, तो रिपीट जब नहीं कर सकते हैं तो आपका नॉन रियल नंबर्स, कहने का सारांश हुआ अपरिमेय नंबर्स हुआ। तो आपको आनंद आ रहा होगा, मुझे पता है समझ में आ रहा होगा, आप बने रहिए। बस ये मत देखिए यार कि मुझे उनकी वीडियो चाहिए, ये देखिए वो नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। मेरा कहने का शाब्दिक अर्थ ये है, यदि आपको पढ़ना है, कुछ करना करना है, तो इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बस मस्ती से बने रहिए, अंत तक वीडियो को दीजिए, देखते रहिए और अपने भाइयों के पास सेंड करते रहिए, बस इतना करिए। आपका प्यार मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। आप सेंड करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अवश्य लिख दीजिए हमें समझ में आया या नहीं आया, बस इतना प्यार चाहिए, इसके सिवा कोई मतलब नहीं है आपका हमारा, बस इतना ही। आप पढ़ेंगे, अच्छे बन जाएंगे, अच्छे नागरिक होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य अपने देश से है, क्योंकि हमने बोला भी है, कई बार बताया है कि अगर किसी भी देश की लिपि अच्छी होगी, इनस्क्राइप्ट अच्छा है, तो आपका लैंग्वेज अच्छी होगी, लैंग्वेज अच्छी होगी देश का विकास होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति के साथ में। तो आपका पहला हुआ, जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं वो अपरिमेय होता है, जो निश्चित नहीं होता वो अपरिमेय होता है। प्यारे बच्चों, तीसरा नोट्स देखना है थोड़ा शांति के साथ में। तीसरा नोट्स हमारा क्या हुआ? जिस पर बार का चिन्ह नहीं लगा होता है, जिस पर बार का चिन्ह नहीं लगा होता है, जो निश्चित नहीं होता है वो अपरिमेय होता है, तो वो तो हम नहीं लिख सकता हूँ। इसके बाद सभी संकेत एक्स वाई जेड, सभी संकेत आपके अपरिमेय होते हैं। जैसे कोई थीटा दे रहा है तो कैसा है? अपरिमेय है। अगर कोई पाई दे रहा है तो कैसा? अपरिमेय है। यदि कोई के दे रहा है तो कैसा? अपरिमेय है। यदि कोई लैम्डा दे रहा है तो कैसा? अपरिमेय है। यदि कोई पी दे रहा है कैसा? अपरिमेय है। तो एक्स वाई जेड कोई भी संकेत है तो वो क्या है? अपरिमेय है। तो एक बार थोड़ा शांति के साथ ध्यान देते हैं। अगर तुमसे कहा जा रहा है कहीं भी कि पाई क्या है, तो अपरिमेय है। सर्वाधिक पुटअप होने वाला प्रश्न आपके सामने एक है कि पाई कैसा नंबर है, तो आप तुरंत बोल लेना अपरिमेय नंबर है। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति के साथ में। तो पहला हुआ, जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं वो कौन होता है? अपरिमेय होता है। जिसका हम वर्गमूल ले लेंगे वो कौन होगा? परिमेय हुआ। सभी संख्या कौन हुई? तो परिमेय हुई। जो सभी संख्या जैसे परिमेय हुई, जो संख्या निश्चित नहीं होती है वो कैसी होती है? अपरिमेय होती है। जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक होते हैं वो कौन होते हैं? परिमेय होते हैं। निश्चित अंक नहीं होते हैं वो कौन होते हैं? अपरिमेय होते हैं। सभी संकेत कौन होते हैं प्यारे बच्चों? तो अपरिमेय होते हैं। तो परिमेय अपरिमेय से रिलेटिव आपकी कोई समस्या नहीं है। सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन हुई? तो जाके प्यारे बच्चों एक, सबसे छोटी संख्या एक, सबसे छोटी परिमेय संख्या एक, और सबसे छोटा अंक कौन सा हुआ? जीरो। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं प्राकृतिक और पूर्ण, यानी कौन सी प्राकृतिक संख्या होती हैं और कौन सी पूर्ण संख्या होती हैं। चलिए प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, देखिए नेचुरल नंबर्स और हम कंप्लीट जैसे करना चाह रहे हैं, तो एक बार आप समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या कौन होते हैं? वे संख्या जो हमें गिनने के काम आते हैं, कहने का मतलब जो प्राकृतिक दृश्य हम देख सकते हैं। तो जब कुछ नहीं दिखेगा या तो कैसे प्राकृतिक हो जाएगा, जहां कुछ दिखेगा वही तो प्राकृतिक हो जाएगा। तो कहने का सारा, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने कहीं एक आ रहा तो प्राकृतिक है, दो आ रहा प्राकृतिक है, डॉट डॉट डॉट, जी हमारे सब अनंत तक प्राकृतिक हैं। और यदि हम जहां नहीं गिन सकते हैं भी हमारी कौन सी पूर्ण संख्या होंगी, तो कहने का सारा आप ऐसे कंप्लीट ना करना चाहो तो सेकंड लॉजिक समझ लीजिए। जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक होती हैं।
होते हैं, क्योंकि जीरो संख्या ही नहीं होती है। इसके बाद में पूर्ण संख्या है, तो आपका सीधा बोल सकते हैं जीरो समेत सभी अंक आपकी संख्या व अंक पूर्ण संख्या होते हैं। तो कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे ध्यान देंगे पुनः से, प्राकृतिक संख्या कौन हुई जिन्हें हम गिन सकते हैं, पूर्ण संख्या कितनी हुई जिन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि गिनी जाने वाली संख्या को हम किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक संख्या से, और लिखी जाने वाली संख्या को किस नाम से जानते हैं, तो पूर्ण के नाम से। कंप्लीट हो गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई, एक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई, तो प्यारे बच्चों जीरो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, एक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, जीरो। इसके बाद पुनः ध्यान दो थोड़ा शांति से हमें। ये आपका प्राकृतिक और पूर्ण कंप्लीट हो गया। प्राकृतिक पूर्ण कंप्लीट होने के बाद में सेकंड हम लोगों से पूछा जाता है, उसका नाम होता है प्यारे बच्चों सम और विषम। सम और विषम, देखिए सम और विषम के साथ बिल्कुल साधारण लॉजिक। बे संख्या जो दो से डिवाइस हो जाती है, बे संख्या जो दो से कट जाती है, बे संख्या जिनमें दो से भाग चला जाता है, बे संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त होती है, ऐसी संख्या को हमेशा अभाग कह सकते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने आ रहा है दो, दो दो से कटेगा, चार दो से कटेगा, छः दो से कटेगा, क्या सात तो नहीं कटेगा ना, आठ कटेगा, दस कटेगा, तो आप डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। और जो दो से नहीं कटेगा वो होगा विषम, जो दो से नहीं कटेगा वो होगा विषम। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो दो। सबसे बड़ी कौन सी होती है, ज्ञात नहीं की जा सकती है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो एक। तो प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो गया सम और विषम के बारे में। सबसे छोटी सम संख्या कौन हुई, तो दो। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन हुई, तो एक। बे संख्या जो दो से कटेंगी कौन होंगी सम, जो दो से नहीं कटेंगे वो कौन होंगे विषम। सबसे बड़ी विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, परिमेय संख्या भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सेकंड इसके बाद ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोगों से बनता है अगला जाके जिसे हम जानते हैं अभाज्य और भाज्य। अभाज्य और भाज्य, भाज्य को हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं संयोग संख्या के नाम से, और इसे दूसरे नाम से जानते हैं रूढ़ संख्या के नाम से। प्यार बच्चों समझ लीजिए, अभाज्य कौन होता है, बे संख्या जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, बे संख्या जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, बे संख्या जो सिर्फ दो संख्याओं से कटती हैं, बे संख्याएं जो सिर्फ अपने से और एक से कटती हैं, ऐसी संख्याओं को हमेशा अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों बात करना चाह रहा हूं, जैसे हमारे पास आ रहा है जैसे एक, एक सिर्फ एक से कटता है, दो को बात कीजिए दो एक और दो से कटता है, तीन की बात कीजिए एक और तीन से कटता है, चार की बात कीजिए एक दो चार से कटता है, पांच की बात कीजिए एक पांच से कटता है, छह की बात कीजिए एक दो तीन छह से कटता है, सात की बात कीजिए एक सात से कटता है, आठ की बात कीजिए एक दो चार आठ से कटता है, नौ की बात कीजिए एक तीन नौ से कटता है, टेन की बात कीजिए तो वन टू फाइव टेन से कटेगा, इलेवन की बात कीजिए तो आपका वन इलेवन से कटेगा। तो फिर बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभाज्य कौन होता है, भाज्य कौन होता है। तो बे संख्या जो सिर्फ दो संख्याओं से कटती है ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य के नाम से जानते हैं, और बे संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से कटती है संख्याओं को हम भाज्य के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ये सिर्फ दो संख्याओं से करती है, क्या ये दो से करती है, नहीं। तो जब ये एक दो से नहीं करती है तो प्रश्न बनता है क्या एक अभाज्य है कि भाज्य है, ना एक अभाज्य है और ना एक भाज्य है। क्लियर हो गया। सेकंड इसके बाद ध्यान दीजिए, क्या दो अभाज्य है या भाज्य, तो क्लियर कर लीजिए दो अभाज्य, क्योंकि दो सिर्फ कह सकते हैं प्यारे बच्चों दो फैक्टर होते हैं। तीन कैसा हुआ, अभाज्य हुआ, पांच कैसा हुआ, अभाज्य हुआ, छह कैसा हुआ, भाज्य हुआ। तो देखिए चार के दो से अधिक फैक्टर है, तो चार कैसा हुआ, भाज्य हुआ, छह कैसा हुआ, भाज्य हुआ, आठ कैसा, भाज्य, नाइन और टेन कैसे हुए, भाज्य हुए। इसके बाद आपके दो के बाद सेवन देखो फिर एक आपका इलेवन आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको कंप्यूटर लग रहा होगा कि बे संख्या जो सिर्फ दो संख्याओं से करती है उन्हें अभाज्य कहते हैं, जो दो से अधिक से करती है भाज्य कहते हैं। तो एक कैसी है, ना अभाज्य और ना ही भाज्य, दो कैसी है, अभाज्य, तीन कैसी है, अभाज्य, नौ कैसी है, भाज्य, और चार कैसी है, आपकी भाज्य। तो प्यारे बच्चों एक प्रश्न बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो दो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो दो। ऐसी कितनी अभाज्य संख्या जिनकी जो सिर्फ सम होती है सिर्फ एक, जिसका नाम क्या होता है, दो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो तीन। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सात। दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो ग्यारह। दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो प्यारे बच्चों संतानवे। एक से लेकर सौ तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो पच्चीस। एक से पचास तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो पंद्रह। एक से सत्तर तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो उन्नीस। पचास से सौ के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो दस। प्यारे बच्चों इस प्रकार के तुमसे प्रश्न बन चुके हैं, इस प्रकार के तुमसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति साथ में। तो पहला प्रश्न हमसे बना है कि आवाज कैसे कहते हैं, तो बेसंख्या जो एक और स्वयं से कटते हैं ऐसी संख्या को आवाज कहते हैं, बेसंख्या जिनके दो गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्या को आवाज कहते हैं, और सबसे छोटी आवाज संख्या दो होती है, और सबसे बड़ी आवाज संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और दो अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या संतानवे, और दो अंक की सबसे छोटी संख्या ग्यारह, और एक अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या सात होती है। तो प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट हो गया, एक से सौ तक आवाज संख्या पच्चीस, पचास तक पंद्रह, सत्तर, उन्नीस, पचास से सौ के बीच दस।
क्लियर हो गया ना। इसके बाद ध्यान दो, सबसे छोटी बाह्य संख्या कौन सी होती है? तो चार। सबसे छोटी बाह्य संख्या कौन होती है? चार। सबसे छोटी सही संख्या कौन सी होती है? तो चार। सबसे छोटी रूट संख्या कौन होती है? तो दो। तो अभाज्य और भाज्य में इतने से ज्यादा आपसे पूछा नहीं जा सकता। चलिए मैं और आपका कंप्लीट कराता हूं, बस आप अंत तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। मैं दावा दे सकता हूं आप किसी की क्यों तैयारी ना कर रहे हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे SSC CDX हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है अगर आप अंत तक बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो। और पढ़ेंगे नहीं यार तो क्या होगा? कहने का सारांश ये है ना, अगर हम फालतू ही पढ़ेंगे, अब आप बैठ गए फालतू से मस्ती ले रहे हैं क्लासों के साथ में, तो शिक्षा के साथ मजाक करोगे तो शिक्षा का मजाक आप झेल नहीं पाओगे। चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा साथ के साथ में। तो आपसे सेकेंड मेरा आ रहा है अभाज्य। देखिए अभाज्य के बारे में और आपको मैं बता रहा हूँ कंप्लीट क्या करना, जो अब तक बनने लगा है परीक्षाओं में। अभाज्य कौन होता है? जिसके दो फैक्टर होते हैं। अभाज्य के दो प्रकार आपसे पुटअप और होने लगे हैं, से अभाज्य संख्याएं, और सेकंड हुआ तिर से अभाज्य संख्याएं। प्यारे बच्चों पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए, से का मतलब क्या होता है? से का मतलब होता है जोड़ा, चाहे दो का, चाहे तीन का, चाहे चार का, चाहे पांच का, चाहे छह का। लेकिन जोड़ा यार एक खत्म नहीं हो सकता ना, जोड़ा दो से स्टार्ट होता है, इसलिए पहला टाइप बन जाता है से अभाज्य। तो बेस से अभाज्य और तिर से अभाज्य और चतुर से अभाज्य, पंचम से अभाज्य, एक्स वाई जेड कोई भी से अभाज्य है, आप प्रॉब्लम मत लीजिए। चलिए मैं चतुर्थ से अभाज्य और लिख रहा हूँ, चतुर्थ से अभाज्य आपको सब कंप्लीट करा रहा हूँ। देखिए से का मतलब मैं बता चुका हूँ जोड़ा, अभाज्य का मतलब बता रहा हूँ फैक्टर दो होना चाहिए, एक और स्वयं, एक और स्वयं। इसके बाद आपका संख्या तो आप जान ही रहे, जिसे राशि के रूप में प्रकट करेंगे। चलिए ध्यान देता हूँ प्यारे बच्चों, तो आपसे जैसे से अभाज्य बोला, से अभाज्य का मतलब मैंने बताया आपको जोड़ा होता है। तो बे संख्या जिनका मासा एक हो, बे संख्या जिनका मासा एक हो, ऐसी संख्या को हमेशा हम से अभाज्य संख्याओं के नाम से जानते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपके सामने आया एक और तीन, एक तीन को काटने वाला सिर्फ एक होना चाहिए, एक के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, वही आपका से बनेगा। अगर एक के सिवा कोई अन्य बन रहा है तो वो कभी सेवाज नहीं बनेगा, आपको ये कंप्लीट रखना पड़ेगा। अगर आपका एक तीन आ रहा तो एक इन दोनों काटने वाला सिर्फ एक है, दो चार आ रहा इन दोनों काटने वाला दो है, तीन छह आ रहा इन तीन दोनों काटने वाला आपका तीन है। अगर आपसे बात की जाए एक और दो क्या है, एक सिर्फ एक है, दो तीन सिर्फ एक है, चार पांच सिर्फ एक है, 99 100 सिर्फ एक है, तो कहने का शाब्दिक अर्थ हुआ ये सेवाज है, ये सेवाज, ये सेवाज, ये सेवाज, ये सेवाज, ये दोनों सेवाज नहीं है, क्योंकि उन्हें दो काटता तीन काटता, काटना सिर्फ कौन चाहिए, एक काटना चाहिए। तो प्यारे बच्चों जिनका मासा एक होता हो उन्हें हमेशा हम सहवास संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से प्रश्न हमारा एक बनता है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या क्या सहवास संख्या हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती हैं, दो लगातार प्राकृतिक संख्या हमेशा सहवास संख्या होती हैं, कोई भी दो अभाज्य संख्या हमेषा सहवास संख्या होती हैं, दो लगातार विषम संख्या हमेशा सहवास संख्या होती हैं। तो आपका कंप्लीट हो गया होगा ना, अगर तुमसे कहा जा रहा है ना कि आपकी दो लगातार प्राकृतिक संख्या कैसी होती हैं, तो सहवास संख्या होती हैं और सहवास संख्याओं का मासा कितना होता है, तो एक होता है। तिर से अभाज्य संख्याओं की भी यही कंडीशन है, वे तीन संख्या जिनका मासा एक होता है, जैसे एक दो तीन, दो पांच सात, ये सबका मासा एक होता है। यानी कहने का मतलब एक के सिवा और सभी को कोई नहीं काटना चाहिए, उन्हें हमेशा से अभाज्य के नाम से काटेंगे, चाहे तिर हो, चाहे चतुर्थ हो, चाहे फोर्थ हो। जिस चतुर्थ की बात की जा रही, जो एक दो तीन चार था, उससे आपकी चतुर्थ से अभाज्य संख्या हो गई। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा, मुझे पता है, विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल कंप्लीट होगा। अगर बिल्कुल कंप्लीट नहीं है तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, आनंद आएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके लिए आपके पास में मैं प्रश्न रखता हूं, जो कि आपकी अदर्श परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं, कि आपका संख्याओं से रिलेटिव कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। यार आप प्रश्न में पब्लिकेशन में देखिए जाके, प्रैक्टिस सेटों में देखिए जाके, परीक्षाओं को देखकर देखकर देख लीजिए, आपको ये प्रश्न बनेंगे। आपके दो से तीन प्रश्न कंप्लीट में करा रहा हूं, बस गारंटी के साथ आप बने रहिए अंत तक, बस पढ़ते रहिए। चलिए ध्यान देता हूं, पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि एक अंक की सबसे छोटी सम व विषम संख्या का गुणनफल क्या है। तो प्यारे बच्चों मैंने बोला था एक अंक की सबसे छोटी सम व विषम, सबसे छोटी विषम सम संख्या होती है दो, विषम होती है एक, बताइए गुणनफल कितना हुआ, दो। कंप्लीट हो गया, तो एक अंक की सबसे छोटी सम व विषम संख्या गुणनफल कितना हुआ, ए, दो। इसके बाद बना है सबसे छोटी पूर्ण व प्रात संख्या का गुणनफल क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है प्यारे बच्चों जीरो, सबसे छोटी प्रात संख्या होती है एक, बताइए गुणनफल क्या हुआ, जीरो। कंप्लीट हो गया सेकंड प्रश्न। इसके बाद थर्ड प्रश्न को देखिए, सबसे छोटी अभाज्य बा एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है सात, बताइए प्यारे बच्चों गुणनफल कितना हुआ, 14। ये प्रश्न लूसेंट पब्लिकेशन का है, चलिए ध्यान देता हूं इसके बाद थोड़ा शांति के साथ में। अगला प्रश्न क्या बना जाके, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन होती है। तो आप संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, भाज्य को। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, चार। आपका कंप्लीट हो गया अगला भी प्रश्न। इसके बाद दिया गया है सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या प्यारे बच्चों कौन होती है, एक। इसके बाद
अगला ध्यान दे, अगला लिखा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी संख्या भी होती है कौन, एक। सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो जीरो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो जीरो। इसके बाद लिखा तिर स्यवाद संख्या का मासा होता है, तो चे स्यवाद संख्या हो, चाहे तिर स्यवाद संख्या हो, चाहे चतुर स्यवाद संख्या हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, सह जोड़ा है तो मासा होना चाहिए सिर पे। कंप्लीट हुआ ना। अगला ध्यान दो इसके बाद में, निम्नलिखित में कौन सी संख्या आभास्य आवाज नहीं है। ऑप्शन पहला दिया गया प्यारे बच्चों 4 13, पहला ऑप्शन है 4 13। दूसरा दिया गया 5 16, दूसरा है 5 16। तीसरा आपका दिया गया है प्यारे बच्चों 20 42, 20 42। अगला दिया गया 13 19। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों को काटने वाला एक हो रहा, इन दोनों काटने वाला एक हो रहा, इन दोनों काटने वाला एक हो रहा, पर इन्हें काटने वाला आपका 2 और 1 हो रहा, तो तिर सहवाज कौन हो सही सकता है, सहवाज कौन नहीं हो सकता है, 20 और 42। कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ध्यान दो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है 2 प्लस अंडर रूट 9, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्यारे बच्चों आपका √5y/√4, और लास्ट ऑप्शन दे रहा है इसके बाद दे रहा है √5 प्लस √7, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों समझना, इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास 3 और 2 5, यानी 5 हो जाएगा। ये पी बटे क्यू के रूप में है, तो आंसर कौन होगा ये, क्योंकि इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हमसे एक प्रश्न और बना है, वो हमने शुरू में छोड़ दिया था क्योंकि लगातार आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी ऋणोत्तर संख्या कौन सी है, धनोत्तर और ऋणोत्तर। प्यारे बच्चों जो सब धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है, आप तापमान से ले लीजिए, किसी दूरी से ले लीजिए, किसी भी एक्स वाई जेड किसी बिंदु से ले लीजिए। जैसे कि हमने एक पैमाना ये बनाया, इस पैमाने पे अगर हम यहाँ दे रहे हैं तो इस दाईं तरफ जाएंगे तो ये हमारी धनोत्तर संख्या है, इस दाईं तरफ जाएंगे तो हमारी धनोत्तर संख्या है, जीरो बेस रहेगा। इधर आएंगे तो हमारी ऋणोत्तर संख्या है, कैसी संख्या हुई, ऋणोत्तर संख्या हुई। तो सबसे छोटी धनोत्तर संख्या कौन सी हुई, तो हम कह सकते हैं ए। सबसे छोटी ऋणोत्तर संख्या कौन सी हुई, तो -1। कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति के साथ में। तो आपसे अगर कहीं भी पूछा जा रहा है कि ऋणोत्तर संख्या कौन सी होती है, धनोत्तर संख्या, सभी पूर्णांक जो पॉजिटिव होते हैं वो आपका धनोत्तर होते हैं, जो निगेटिव होते हैं वो ऋणोत्तर होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो रहा है, यहां तक अगर आपको समझ में आया है, आनंद आया, देखिए किसी भी यूट्यूब पर पढ़िए, एक्स वाई जेड कहीं भी आप चाहिए, आपको वीडियो तो मिलेंगे, मैं बता सकता हूं, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस सेट नहीं मिलेंगे, ऐसे समझाने को नहीं मिलेगा, ऐसे अंत तक आपको वीडियो को नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हमारी यही मनोकामना है कि आप खुश रहें, सफल हों,